नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में लीडर स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। अब ये शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति लीडर स्कूलों में आखिर क्यों रद्द हुई, इसके पीछे तरह तरह की बातें हो रही है। क्या बहुत सारे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति बिना उनके जानकारी के, बिना उनके आवेदन के कर दिया गया फर्जी तरीके से? शिक्षा विभाग के पास जब लगातार कंप्लेन मिल रही थी तो इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस तरह का बड़ा फैसला किया है। दरअसल लीडर स्कूलों का मुख्य फोकस जो है उत्कृष्ट शिक्षा पूरे झारखंड में देने की है। सरकार ने तरह तरह की बातें की इसको लेकर, लेकिन अब जो सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, लीडर स्कूलों में जो प्रतिनियुक्ति हुई थी शिक्षकों की, उसे हेमंत सरकार ने कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई ये हुई है। लीडर स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द किया गया है, क्योंकि बहुत सारे जगहों से शिकायतें जो हैं वो लगातार मिल रही थी। कहा तो ये जा रहा है कि कहीं कहीं मृत टीचर्स को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया था, और कहीं कहीं टीचर्स को जानकारी भी नहीं है, उन्होंने कोई आवेदन भी नहीं दिया है, कोई सूचना भी नहीं दी गई है उनको, और उनका लिस्ट में जो है नाम दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के बीच ये निकलकर रिपोर्ट सामने आ रही है, लीडर स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर बड़ी कार्रवाई यहां पर झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने की है। प्रतिनियुक्ति रद्द कर दिया गया है शिक्षकों कि अब नई लिस्ट जो है वो निकाली जाएगी झारखंड के अंदर, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया लगातार हर अपडेट आपको देती रहेगी, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द लीडर स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की नई लिस्ट जो बनकर आएगी वो भ्रष्टाचार से मुक्त रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा, तमाम जो नियम कानून है उनको पालन किया जाएगा, और उसके बाद नई लिस्ट जो है वो निकलकर सामने आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।